दोस्तों, हम एमपी में घुस चुके हैं, सिलवाणिया पार कर चुके हैं, खड़गाट पहुंचने वाले हैं। यह है एमपी के रोड। अभी स्टॉपिज करेंगे हम मोड, अपने हरियाणा का होटल है महावीर तरोड़ी खेड़ा। अच्छी चाय, अच्छा खाना। खाना तो हमने लास नेर घाट के नीचे हरियाणा वाले होटल पे खा लिया। अब उधर चाय पियेंगे और 10 बजे 11 बजे जब तक मेरे को नींद नहीं आती मैं चलाऊंगा, नरेश को सोने दूंगा। और जब मेरे को नींद आने लगेगी मैं नरेश को उठा दूंगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से चल रहा हूँ मैं और नाइट में भी 12 बजे सोया था, तो 4:30 पे नरेश ने उठा दिया मेरे को। तब से मैं चल ही रहा हूँ, जब नींद आएगी तब नरेश को उठाएंगे, फिर मैं सो जाऊँगा। समय कम है, सफ़र है ज़्यादा। प्लीज़ आपका छोटा भाई धर्मवीर पत्तड़ लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखना, तभी मज़ा आएगा यार। वीडियो पूरा देखना तभी मज़ा आएगा। यह है दारघाट, अभी हम धार सीटी होकर सीधे नागदा जा निकलेंगे, जो मानपुर और लेपड़ दोनों कट गए, इसमें एक टोल छूट गया हमारा और 35 किलोमीटर शॉर्ट और रोड भी अच्छा, हाँ थोड़ा खतरा है, ये डकैतों का एरिया है। अगर कोई भी ड्राइवर भाई इस रास्ते से रात में आए कृपा गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाएं, किसी भी तरफ से पत्थर आ सकता है। कोई चीज़ रोड पे पड़ी हो तो रात के टाइम उसको उठाने की कोशिश न करें, ये एक ड्राइवरों के लिए चकमा हो सकता है। गाड़ी में किसी भी तरह का डाउट होता है तो किसी होटल या किसी मकान के पास जिसमें रिहायश बनी हो या किसी पंप पे लगा के अपनी गाड़ी चेक करें, सुनसान एरिए में चेक ना करें, खास तौर से रात के टाइम एमपी में।
पूरी तरह चेक कर लें। इस रोड पर कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको और ना ही कोई होटल है घाट के अंदर। दिन में गाड़ियां इधर आती नहीं, नो एंट्री है, ओनली रात के टाइम वही गाड़ियां आती है, या तो इकट्ठी हो या फिर उसका माल ऐसा है कि कटने पटने के लायक ना हो। देखिए ये मिस्टर ओम बाना वाले, इसने बोल दिया गाड़ी आगे निकाल लो। मैंने गाड़ी सोलो कर लिया था इस गाड़ी को साथ में लेने के लिए। तो मेरी सभी भाइयों से दरख्वास्त है, रोड पर चलें तो एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। किसी भी गाड़ी वाले को मुसीबत में देख के दूसरे गाड़ी वाले को मदद करना चाहिए। अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो वजूद मजबूत हो जाएगा, एकता में बड़ी ताकत है।